बॉलीवुड की दुनिया में कौन किस वक्त फ्लॉप होगा और किस वक्त किसकी किस्मत चमक जाएगी, ये कोई नहीं जान पाता। इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए मेहनत के साथ साथ किस्मत का होना भी बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा ही किस्सा है एक्टर मोहनीश बहल का, जिन्हें एक वक्त तक लगातार मिली असफलताओं ने तोड़ दिया था और उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना लिया था। हालांकि उनका वक्त अचानक बदला और एक फिल्म ने उनकी किस्मत पलट दी, लेकिन आज हम आपको मोहनीश बहल के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही साथ हम आपको उनकी पत्नी से भी रूबरू करवाएंगे। तो चलिए देर किस बात की। मोहनीश बहल ने 1983 में आई फिल्म बेकरार से बतौर सपोर्टिंग एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मोहनीश के करियर में ग्रहण लग गया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। लगातार मिल रही असफलताओं से मोहनीश को लगने लगा कि इंडस्ट्री में अब उन्हें काम नहीं मिलेगा और फिल्में भी हिट नहीं होने वाली। ऐसे में वो इंडस्ट्री छोड़कर पायलट बनने की तैयारी में लग गए। हालांकि किस्मत को मोहनीश के लिए कुछ और ही मंजूर था। सफलता के दौर में उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई। सलमान ने मोहनीश का नाम फिल्म मैंने प्यार किया के एक किरदार के लिए आगे बढ़ा दिया। फिल्म में मोहनीश विलन के किरदार में थे। फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई और इसके साथ मोहनीश की किस्मत के सितारे भी बुलंद हो गए। उनके किरदार को काफी पसंद किया गया और उनका करियर भी आगे बढ़ गया। इसके बाद मोहनीश ने और भी कई फिल्मों में काम किया। फिल्म हम साथ साथ हैं में मोहनीश ने पॉजिटिव रोल निभाया और ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के साथ मोहनीश ने दुनिया को बता दिया कि वो हर तरह के किरदार निभा सकते हैं। इन फिल्मों के अलावा मोहनीश ने हम आपके हैं कौन, राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, शादी करके फंस गया यार जैसी फिल्मों में काम करके शोहरत कमाई। फिल्मों के अलावा मोहनीश ने टीवी पर भी काम किया और वहाँ भी उनकी एक्टिंग फैंस को काफी पसंद आई। मोहनीश टीवी शो संजीवनी में डॉक्टर बने नजर आए। इसके बाद दिल मिल गए में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया। मोहनीश बहल कई फिल्मों और सीरियल में सपोर्टिंग किरदार भी निभाते नजर आ चुके हैं। आखिरी बार उन्हें फिल्म पानीपत में देखा गया था। लेकिन अब अगर बात करें इस दमदार एक्टर की पत्नी की, तो आपको बता दें उनकी पत्नी का नाम एकता सोनी है। मोहनीश और एकता के दो बच्चे हैं, परनूतन बहल और कृष्णा बहल। बता दें मोहनीश बहल और एकता की शादी साल 1992 में हुई थी। एकता ने अव्वल नंबर, साजन, नजर के आने और वास्ता जैसी फिल्मों में काम किया है। फिल्म साजन में जब वो माधुरी दीक्षित के साथ नजर आई तो दर्शकों ने उन्हें माधुरी से भी ज्यादा खूबसूरत माना। वहीं मोहनीश बहल की बेटी परनूतन ने फिल्म नोटबुक से बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया है। इस फिल्म में उनके साथ भाग्यश्री का बेटा नजर आ रहा है। खूबसूरती के मामले में वो अपनी माँ और दादी से पूरी तरह से आगे निकल चुकी हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।